अदरवाइज तो आप सबके लिए आ गया एक सरप्राइज, हमने बाय कर लिया है OnePlus TV 32 इंच का, जिसका नाम है OnePlus 32 Y1 सीरीज का नंबर वन टीवी है, फुली एंड्रॉइड, फुली स्मार्ट गूगल असिस्टेंट के साथ। सो मैं आपका दोस्त और होस्ट पंकज शर्मा। तो गाइस अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा OnePlus की ब्रांडिंग, एंड्रॉइड टीवी, गूगल असिस्टेंट प्लस स्मार्ट टीवी है ये, यहाँ डॉल्बी ऑडियो का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, 20 वाट के स्पीकर है इसमें, दो यानी 10-10 वाट के स्पीकर है, 32 इंच का ये टीवी है। एंड बॉक्स की अगर इस साइड बात करें तो आपको अगेन ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड्रॉइड टीवी, गूगल असिस्टेंट, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, दो HDMI पोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और आप हॉटस्टार वगैरह भी इसमें इजीली रन कर सकते हैं। और अगर बॉक्स कंटेंट के इस तरफ की बात करें तो वाइट कलर गैमेट, बेजल लेस जो कि इसको बहुत ही एग्रेसिव लुक देता है, मतलब सच में इस बजट के अंदर मैंने आज तक कोई इतना एग्रेसिव और इतना बेजल लेस टीवी नहीं देखा। और ऑक्सीजन प्ले एंड OnePlus कनेक्ट, यानी कि अगर आपके पास OnePlus का कोई टीवी है तो आप उसको मतलब इजीली कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन के साथ और इजीली इस टीवी को चला सकते हो। यहाँ पे अगेन इनकी टैगलाइन नेवर सेटल, जो कि सही भी है, कभी सेटल नहीं होते अपने प्रोडक्ट्स के साथ, हमेशा कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहते हैं। और क्रोमकास्ट बिल्ट है, प्लास्टिक बिल्ट नहीं है, पूरी एल्यूमिनियम बिल्ट है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे 3 स्टार मिल जाएगा आपको। ओके एंड अगर इस साइड बात करें तो अगेन ब्रांडिंग वगैरह है और यहाँ पे कुछ है नहीं काम की चीज़। हाँ वैसे इस टीवी का ओरिजिनल प्राइस है 19,999 यानी 20,000 रुपये, और मैंने इसको अमेजोन प्राइम सेल में लिया है तो मुझे करीब करीब 13,000 रुपये का पड़ा है, और यहाँ 13,000 रुपीज़ के अंदर ये स्मार्ट टीवी, मतलब फुली बजट टीवी। तो गाइस चलिए करते हैं इस टीवी का क्विक ओवर रिव्यू, बताते हैं आपको इस टीवी के अंदर क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं और कहाँ ये टीवी हाई परफॉर्मेंस देता है, कहाँ ये टीवी आपको लो परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के। करते हैं इसको अनबॉक्स। 2 दिन से मैंने घर वालों को नहीं खोलने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हो हमारा प्यार बहुत ज्यादा है अनबॉक्सिंग से। ये जो आवाज आते हैं तुर तुर की, बहुत अच्छी आवाज आती है। आज हम अपनी चैनल पे फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्रोडक्ट हम अनबॉक्स कर रहे हैं। ओ वाओ, कुछ तो है अंदर, कुछ तो है गाइस। ये मिलेंगे ना बैड वुड वाले गद्दे, मिलेंगे थोड़े थर्माकोल वाले, स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलते हैं स्टैंड, जो है तो प्लास्टिक के लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी है। ओके, दूसरा स्टैंड, क्योंकि एक स्टैंड पर टीवी टिकता नहीं है तो इन्होंने थर्माकोल भी ऐसे फेविक्विक वगैरह चिपका के दिया है, टीवी को खरोच नहीं आनी चाहिए इतनी सी भी। और ओ माय गॉड, कुछ है टीवी है गाइस, कांग्रेचुलेशन टू मी गाइस, टीवी है। और यार पेपर वर्क है इसमें, आई थिंक जिसमें आपको मिल जाएगा बहुत कुछ, तो बात करेंगे बाद में, पहले बड़ी चीज पे हाथ मारा जाए। तो टीवी में दिख चुका है लेकिन मैं निकालने वाला हूँ। गाइस ये रहा हमारा टीवी। ओके ये रहा हमारा टीवी और इसमें एक और थर्माकोल, हमें इसकी जरूरत नहीं है। वाह खुल गया, सिंसिंग खोल दिया है हमने। तो अब हम निकालने वाले टीवी को, और इधर आओ जरा कैमरा मैन वाले, आपको निकालना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा आपके सामने वाला टीवी OnePlus, हाँ OnePlus है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स की। तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है USB 1 और USB 2 यहाँ पे, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाथ उत मारने पड़ेंगे, ठीक है।
और ये पता नहीं मेरे को किस चीज़ का है। और आपको ये HDMI पोर्ट मिलता है, एक यहाँ पर, एक HDMI पोर्ट 2 यहाँ पर मिलेगा, इथरनेट आपको यहाँ मिल जाएगा, और वीडियो के लिए आउटपुट आपकी R और L, जिससे आप सेटअप बॉक्स अपना कनेक्ट कर सकते हैं। और मजे की बात इसमें ये है कि इसमें ऑक्स नहीं है, वाह, मतलब आप अपना होम थिएटर, अपना स्पीकर सिस्टम इसमें चला ही नहीं सकते। लेकिन दूसरे मजे की बात ये भी है कि ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, तो आपके पास अगर ब्लूटूथ वाला है तो आप वो कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो भैया बाजार से खरीद लाना, इसके साथ वो फ्री नहीं आता। और गाइस ये देखो यहाँ पे रेटिंग दी गई है इस टीवी को, जो कि 3 स्टार है, और जो आपके साल भर में एनर्जी जो कंज्यूम करेगा वो 59 किलोवाट पर ईयर होगी, जो कि ठीक है टीवी के हिसाब से। और एनर्जी इज लाइफ, ये हमें पावर का बटन देखने मिल जाएगा। इस टीवी में सिर्फ एक ही बटन है, दूसरा कोई बटन नहीं है। और यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड मिलती है वायर, आपकी पावर केबल जो है वो यहाँ पे आपको कनेक्टेड मिलेगी। तो गाइस बात करते हैं अब इसकी, तो देखो यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल दिखने को मिल जाती है, जो काम की नहीं है, उसको बाद में देखेंगे हम। और ये एक रिमोट देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही एकदम सेक्सी सा रिमोट लग रहा है यार, मतलब रुको पहले कपड़े उतार लिए जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कपड़े उतारना। तो गाइस हैव अ लुक, ओहो यहाँ देखो आपको रिमोट में पावर बटन देखने को मिल जाता है, म्यूट बटन देखने को मिल जाता है, ये बैक और ये लेफ्ट राइट अप डाउन ओके, ये पता नहीं जब चलाएंगे तब देखेंगे, ये डायरेक्टली नेटफ्लिक्स का, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, और मेन्यू आपको मिल जाता है वॉल्यूम माइनस प्लस, और आपको गूगल असिस्टेंट का डायरेक्टली इसमें बटन मिल जाता है। यहाँ आपको वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और बैक में आपको ब्लूटूथ का एक साइन दिख जाएगा, और यहाँ आपको बैटरी डालने का स्लॉट मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि फ्री में बैटरी मिल गई यार, तो मतलब फ्री की चीज़ ना ज़िंदगी सफल कर देती है। ये रही हमारी बैटरी, कैमरामैन का पता नहीं ध्यान कहाँ है हमारा, ये हमारी बैटरी है, और मतलब फ्री की चीज़ गाइस ज़िंदगी सफल मतलब। और ये हमें कुछ स्क्रूज दिए हैं, तो गाइस करते हैं इसको जल्दी से सेटअप, करेंगे इसको बूट, लगाते हैं इसमें स्टैंड वगैरह, फिर दिखाते हैं आपको इसका एक क्विक रिव्यू। तो गाइस आगे हमने सेटअप कर लिया, इसमें स्टैंड लगा दिया हमने। तो गाइस जैसा कि था कि हम पूरा सेटअप करके अब मिले हैं, और भाई बहुत मुश्किल था यार, मतलब एक एंड्रॉयड टीवी सेटअप करना, बूट करना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन यार इसी बीच जो रिमोट की जो फील आई है ना, वो प्रीमियम फील आई एकदम, बहुत बढ़िया। और गाइस अगर मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ तो सॉरी बुरा मत माना, क्योंकि ये टीवी मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मैंने बहुत मुश्किलों में सेल से निकाला है, तो इस वजह से ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन क्वालिटी एकदम बहुत ही बढ़िया है, और ये इसकी मिनिमम ब्राइटनेस है, और चाहे तो हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देखो कि इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है, एंड जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ लाइक बहुत बढ़िया है यार। तो गाइस देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बेजल्स कितने स्लीक है, मतलब इसका जो बेजल रेशियो है ना, स्क्रीन टू रेशियो जो होता है वो इसका 93% से 94% है। आप देखो मेरी फिंगर भी आपको कितनी बड़ी दिख रही है इसके सामने, तो इसके बेजल्स काफ़ी स्लीक है, जो कि इसको एग्रेसिव लुक देता है। तो यहाँ पे आपको देखो वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो कि दोनों 10-10 वाट के स्पीकर है, यानी टोटली आपको 20 वाट का साउंड आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चलिए अब चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। इसमें 93% कलर गैमेट है, और हमें कलर गैमेट से कोई लेना देना नहीं है, क्लियरिटी बहुत अच्छी है, सुपर फाइन क्लियरिटी आ रही है, और 64 बिट का इसके अंदर प्रोसेसर है, और साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 9.0, और इसमें 1GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगी, प्लस इसमें गामा इंजन भी दिया गया है। गामा इंजन बस वो सिर्फ यार किताबी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ओवरऑल सिर्फ लोगों को टीवी में क्या देखना है, लोगों को टीम में उनको देखना है कि उसका ऑडियो आउटपुट बहुत अच्छा आना चाहिए, जो इसमें मतलब ऑन एन एवरेज है, ऑडियो की क्लियरिटी में ये थोड़ा सा सफ़र करता है, लेकिन ठीक है इस प्राइस में आपको काफ़ी बेटर ऑडियो मिल रहा है, और डिस्प्ले क्वालिटी तो यार मतलब सुपर्ब है।
तो गाइस इसमें आपको गूगल असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। ये देखो मैं गूगल असिस्टेंट का बटन दबाता हूँ, हाँ दबा दिया और ये चल भी गया। टू डेज टेम्परेचर, तो आज का मैं टेम्परेचर बता, काफ़ी फास्ट है, मतलब फास्ट आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है। अगर वह स्लो इंटरनेट आपके पास तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, बाकी लैग तो मुझे इसमें देखने को कहीं नहीं मिला है। और आपको यहाँ पे सेटिंग्स भी मिल जाएंगी और टीवी ओपन करते ही देखो आपको सिस्टम अपडेट भी मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात है। और मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ कुछ कुछ टीवी की, और जैसे आप यहाँ नेटवर्क अपने सेलेक्ट कर सकते हो, अपने टीवी का नाम लिख सकते हो ऊपर ही, ठीक है, आप चैनल्स यहाँ पे अपने डिसाइड कर सकते हो जो हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे आपको अकाउंट एंड साइन इन ऐप्स, मतलब आपको टोटली पूरा एंड्रॉइड वाला फील आएगा। आप ऐप्स यहाँ से अपने सजेस्ट कर सकते हो कि ऐप्स ये देखो मैनेज कर सकते हो यहाँ सब एप्लीकेशन टीवी की। और अपने डिवाइस परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करते हैं इसमें जाते हैं तो हमें अबाउट मिल जाएगा, डेट एंड टाइम, टाइमर, लैंग्वेजेस, हम बहुत सारी इसमें लैंग्वेजेस हैं। और अगर इनपुट्स की बात करें तो HDMI पोर्ट ये रहा आपका, और बाकी टीवी ऑटो पावर पे भी चला जाता है आपका, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी चालू हो सकता है। और अगर पिक्चर पे बात करें हम इसमें तो आप देखो बैकलाइट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन और शार्पनेस, आप ये सब इसमें अपने हिसाब से भी कर सकते हो मैन्युअली। और ये आपको अभी बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें काफ़ी फीचर्स हैं। और साउंड को लेके भी देखो इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, और जैसे आपको बैलेंस मिलता है, बेस ट्रैवल भी अभी 50-50 चल रहा है सब, तो अगर हम इसको हाई क्वालिटी पे करेंगे तो ये हाई हो जाएगा सब कुछ। सो ओवरऑल आपको यार मतलब पूरा एंड्रॉयड वाला फील देगा ये टीवी, ये देखो मतलब यार क्या ही कहने, हॉट स्टार है आपके पास, ये पता नहीं क्या क्या है, शायद कम ही चलेगा मेरे टीवी में तो ये। और बाकी आपको YouTube देखने को मिल जाता है जो हमने प्ले करी है कुछ वीडियोज़ अभी अभी, और Netflix, Amazon Prime और मीडिया YouTube आपको, और आपको प्ले स्टोर भी देखने को इसमें मिल जाएगा। तो गाइस जब तक अपने प्रोडक्ट के कपड़े अपने ना उतारे जाने तब तक मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, तो इसकी पन्नी वन्नी कर लेते हैं इसको अनरैप। जल्दी उतार भाई, कपड़े फट गए, कपड़े फट गए तरीके गाइस, हम कपड़े उतारने थोड़े अनसक्सेस है क्योंकि हमें क्या एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कपड़े उतारने का। इसमें फाइनली हमारे यहाँ के कपड़े उतर गए थे, हमें बहुत परेशान कर रहे थे, अब किस साइड उतर गए मैं उतार दूँ आज तू कर लेंगे हाँ। फाइनली जो लुक निकल के आता है टीवी का वो ये है, वाओ व्हाट अ सरप्राइज। सो गाइस देखो इसकी पिक्चर क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको, हालांकि 720p पे वर्क करता है बट फिर भी इतनी अच्छी क्लियरिटी मैंने आज तक किसी टीवी में नहीं देखी गाइस। ये देखो मतलब जो सैचुरेशन है और जो रिजोल्यूशन है ना वो निखर के आ रहे हैं इस टीवी में, मतलब सुपर काम किया वन प्लस ने यहाँ पर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी डिस्प्ले दी है। ये देखिए गाइस एक एक कलर ऐसा पॉइंट आउट हो रहा है, मतलब हर एक कलर आप अलग से ही देख सकते हो, काफ़ी अच्छा वर्क किया डिस्प्ले पे वन प्लस ने, और इस बजट प्राइस रेंज में तो काफ़ी बेटर डिस्प्ले आपको मिल रहा है। ये देखो गाइस ग्रीनरी, ग्रीनरी में कहते हैं कि ये देखो स्नेक, कहते हैं ग्रीनरी में काफ़ी अच्छे कलर्स आप जज कर सकते हो किसी भी डिस्प्ले के, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है ऑल्दो इस प्राइस रेंज के किसी भी वेरियंट के टी वी के हिसाब से। गाइस ये था इस टीवी का क्विक ओवरव्यू, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको टीवी परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अमेजोन से इसको बाय कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप लोगों के पास अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप होनी चाहिए। सो गाइस चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। बाकी स्टैंड बाय मोड पे भी चला जाता है ऑटोमेटिकली, आप बैक बटन दबा के इसको वापस ला सकते हो अपने मोड्स पे। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।